हाँ तो प्रिंसेस, क्या तुम एक्साइटेड हो इसे खोलने के लिए? हाँ खोलो इसे, तुम ही खुद से ट्राई करो। हाँ कम ऑन, बहुत अच्छे, हाँ शाबाश। थोड़ा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? हाँ चलो खोलते हैं हम मिलकर इसे। हाँ तो दोस्तों, अब थोड़े ही वक्त में हम इसे खोल लेंगे और आप सभी को सारे जानवर दिखाएंगे। तो अब ये हमारे सामने खुल गया है, आप देख सकते हैं हमारी नन्ही प्रिंसेस कितना एंजॉय कर रही है। चलो हाँ, तो कहाँ से शुरुआत करें? हमारे पास तो बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं। कम ऑन, सारे इधर रखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ तो प्रिंसेस, ये क्या है? ये क्या है? ये कहाँ मिलता है हमें? ओशन में ना, समुद्र में मिलता है हमें। हाँ जी, ये देखिए, ये आपके सामने स्टारफिश। ये क्या है? व्हाट्स दिस? दिस क्रैब। ये है क्रैब। हाँ आप लोग भी देखना चाहेंगे, मुझे मालूम है। देखिए ये है क्रैब आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा बिल्ड है, एकदम जिंदा जैसा लगता है, बहुत अच्छा है। अब हम, ये क्या है? ये क्या है प्रिंसेस, बताओ क्या? नहीं क्रैब तो ये है, तो ये तो क्रैब नहीं हो सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं सील। ये सील है, ये हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा मिलता है। ये बर्फ बर्फ जहां पर होता है ना बहुत सारा, वहां पर रहते हैं ये कॉलोनीज में, बहुत सारे मिलकर एक साथ, ठीक है। और ये क्या आपके हाथ में? ये प्लांट है जो समुद्र के अंदर में मिलता है हमें, ठीक है। अब बताइए आपको और क्या जानना है, कौन से जानवर के बारे में? कोई एक सेलेक्ट करना होगा आपको इन दोनों में से। ये आप दोनों छोड़कर, ये है स्टिंगरे। नो दिस इज नॉट जेली, दिस इज कॉल्ड स्टिंगरे। ये फिश है, इसका नाम है स्टिंगरे। हाँ ये शार्क के स्पीसीज की होती है। अब आइए, ये क्या है? ये तो आपको मालूम ही होगा, क्या है? बिल्कुल सही। देखिए तो इसके कितने टेंटिकल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके 8 टेंटिकल्स हैं, देख सकते हैं आप ऑक्टोपस को आपके सामने। और हाँ आपको तो मैं स्टिंगरे दिखाना भूल गया, देख लीजिए। और ये था सील हमारा, स्टारफिश तो आप देख ही चुके हैं, हमारी प्रिंसेस भी आपको दिखा रही है। कम ऑन लेट्स मूव फर्दर। ये क्या है? ये सील की ही स्पीशीज का है, आपने सही गेस किया, बट इसे हम बुलाते हैं सी लायन। क्या है ये? इसके जैसा आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े दांत होते हैं, इसे हम सी लायन बोलते हैं। अब हम इसे बाद में, दोनों प्लांट्स वेरी गुड, इसे आप रख दीजिए और आगे जितनी मछलियां हैं उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ये क्या है? गेस करो। इसको बोलते हैं सी हॉर्स। देखिए अगर आप इसके फेस को देखेंगे तो ये बहुत हद तक घोड़े जैसा लगता है, हॉर्स से मिलता है बहुत, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सी हॉर्स, क्योंकि ये समुद्र में रहता है, सी में रहता है। लाओ मैं इसे तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूं। देखिए ये है सी हॉर्स आपके सामने, तुम्हें देखना है, देख लो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं लॉबस्टर। क्या है प्रिंसेस? मैंने तो नाम पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। ये देखिए आप, लॉबस्टर आपके सामने,
सबसे अच्छी बात है कि इन खिलौनों की बिल्ड इतनी अच्छी है कि एकदम लगता है कि आपके सामने बस जिंदा हैं सारे। कम ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा मूवीज में, टीवी पर, ये है डॉल्फिन आपके सामने। ये बहुत ही प्यारी मछली है। ये मछलियों में कहा जाता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट होती है। आप इसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और आगे अब हम बात करने वाले हैं समुद्र की दो सबसे पॉपुलर मछलियों के बारे में। हाँ, तो अब हम आते हैं, ये कौन सी मछली है बताइए प्रिंसेस? एग्जैक्टली, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स को। हाँ तो फ्रेंड्स, ये शार्क समुद्र की सबसे डेंजरस फिश कहा जाता है। इसे सबसे ज्यादा इंसानों पर अटैक शार्क ने ही किया अभी तक। हाँ तो मैं आपको बता रहा था शार्क के बारे में। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि हॉलीवुड में इस पर कई मूवीज भी बनी है, जैसे जॉज है, शार्क है। अब हाँ, तो अब आखिरी मछली हमारे सामने है। प्रिंसेस, ये कौन सी फिश है बताओ? दिस इज व्हेल। हाँ, दिस इज ब्लू व्हेल। ये है आपके सामने ब्लू व्हेल। ये सबसे बड़ी मछली होती है समुद्र की। कहा जाता है कि ये हाथी से भी 10 गुना बड़ी होती है। ये बहुत ही बड़ी मछली होती है। हाँ, तो हमने अनबॉक्स कर लिया है। सारी मछलियाँ और सारे क्रिएचर्स हमारे सामने हैं। प्रिंसेस, तुम क्या कर रही हो? हाय दोस्तों, ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें सारे समुद्र के जानवर हमें मिलेंगे। ठीक है, कम ऑन प्रिंसेस, हेल्प करोगी मेरा? चलो हेल्प। ये हमारा वॉलरस बन गया। ठीक है, और यहाँ पर बन गया हमारा पोलर बेयर। कलर मिल रहा है, दिखाओ प्रिंसेस, दिखाओ। प्रिंसेस, मुझे लगता है कि आपके पास जो फिगर है वो मुझे यहाँ पर हेल्प कर सकता है। दिखाइए। वाह, बहुत अच्छे, इन्हें इधर दो। ये बन गया हमारा पजल, हो गया कंप्लीट। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने सारे नन्हे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।